साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। करनाल, हिसार और झज्जर में रैली करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। तो वहीं आपको बता दें कि थोड़ी देर में करनाल के दशहरा ग्राउंड में रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मनोहर लाल सीएम नायब सैनी के हित में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। हिसार में दोपहर 1 बजे रैली में चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। झज्जर के महर्षि दयानंद स्टेडियम में भी पूरी तरह से रैली का आयोजन किया जाएगा। तैयारियां जोर शोर से है। दोपहर करीब 2:45 पर रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो आज हरियाणा के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये हरियाणा दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। तो वहीं करनाल, हिसार और झज्जर में रैली करेंगे, पूरी तरह से तैयारियां की गई है। थोड़ी देर में करनाल के दशहरा ग्राउंड में रैली का आयोजन किया जाएगा। मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री सीएम नायब सैनी के लिए यहां पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिसार में दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे। ये देखिए पूरी तरह से मंच सज करके तैयार हो गया है। विजय संकल्प रैली का आयोजन करनाल लोकसभा सीट पर होने वाला है। अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे और यहां से अपने चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीएम नायब सैनी के पक्ष में यहां पर वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। करनाल में उपचुनाव होना है और इन सभी चीजों को लेकर यहां पर चुनावी हुंकार भरते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। और यहां पर पूरी तरह से ये मंच सज करके तैयार हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से यहां पर चाक चौबंद की गई है। और अब से थोड़ी देर में यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और यहां पर चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो देखिए मंच पर कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर में यहां पर करनाल पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर अपने बीजेपी के पक्ष में, अपने उम्मीदवारों के पक्ष में यहां पर वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो करनाल से आपको लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मंच पर सभी दिग्गज मौजूद हैं, बस इंतजार है तो गृह मंत्री अमित शाह का। अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे और यहां पर रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अपने उम्मीदवारों के पक्ष में यहां पर वोट की अपील भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी करनाल से ज्यादा जानकारी के साथ कमल मिड्डा जुड़ चुके हैं। कमल, आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, तैयारियां किस तरह की है? क्योंकि मंच पर पूरे दिग्गज नेता भी दिख रहे हैं, तैयारियां किस तरह की है वहां पर? जी बिल्कुल, पिछले कई दिनों से जो है तैयारियां चल रही थी। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अभी कुछ ही देर में जो है करनाल पहुंचने वाले हैं, क्योंकि करनाल की जो सीट है अपने आप में काफी हॉट सीट इसलिए कही जाती है क्योंकि एक तरफ जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ करनाल से जो उपचुनाव है उसमें एमएलए के उम्मीदवार जो है खुद प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी है। तो एक सीएम और दूसरे पूर्व सीएम दोनों जो है करनाल से चुनावी मैदान में है और उन्हीं के चुनावी प्रचार के लिए जो है वोट अपील करने जो है खुद अमित शाह जो गृहमंत्री है वो कुछ ही देर में करनाल के दशहरा ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं। हालांकि जो लोगों का पहुंचना है वो शुरू हो चुका है और एक विशाल टेंट जो है यहाँ पर लगाया गया है। कमल, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, करनाल से भी जो नायब सैनी उम्मीदवार है मुख्यमंत्री वो भी रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहेंगे, तो यहाँ पर जो मंच है इस पर काफी दिग्गजों का जमावड़ा रहेगा, किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो पिछले 2-3 दिन से लगातार जो है पुलिस ने आसपास के इलाके को पूरी तरह से जो है घेरा हुआ था। हर जगह चेकिंग जरूर की जा रही थी और बगैर किसी को चेकिंग के दौरान जो है अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के जो सीएम है नायब सिंह सैनी वो मौजूद रहने वाले हैं, जो पूर्व सीएम है मनोहर लाल खट्टर वो रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों उम्मीदवार हैं करनाल से। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, उसके अलावा हरियाणा के कई बड़े मंत्री और जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो एहतियात के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम जो है पूरे रैली स्थल के आसपास किए गए हैं। कमल, बीजेपी का विजय संकल्प रैली अपने आप में बहुत खास माना जाता है और इस रैली से आज यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह किस तरह से संदेश देने की कोशिश करेंगे हरियाणा के धरती से हरियाणा वासियों को? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर करनाल क्योंकि 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, लेकिन बाद में उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया करनाल सीट से एमएलए के पद से, जिसके बाद जो है अब वो करनाल लोकसभा से जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं करनाल से उपचुनाव भी हो रहा है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो इस्तीफा दे दिया गया तो उसके बाद करनाल सीट खाली हो गई थी
25 मई को जो है दोनों चुनाव है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में करनाल सीट काफी हॉट बन जाती है, काफी अहम बन जाती है और पूरे प्रदेश और पूरे देश की कहीं ना कहीं निगाहें जो है इस सीट पर जरूर है। जिसको लेकर हम आपको बताना चाहेंगे कि कल जहां राजनाथ सिंह जी जो है सीनियर बीजेपी नेता है वो भी आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है आज गृह मंत्री, देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी जो है इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। एक विजय संकल्प रैली में जो है लोगों से वोट अपील करने पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, हालांकि लोगों का जो जमावड़ा है वो पहुंचना शुरू हो चुका है। कमल, आप नजर बनाए रखिए, पल पल का अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की धरती से आज बीजेपी संकल्प रैली के जरिए गृह मंत्री अमित शाह यहां से हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील भी करते हुए नजर आएंगे।